नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 8 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 8 अगस्त के करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम डेज की बात करें तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस और 9 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों बात करें हम 7 अगस्त की, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस। ठीक है, 7 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाते हैं हम, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जेवलिन थ्रो दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2018 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है, और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, आदिल जे सुमरीवाला है। तो देखिए दोस्तों एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी AFI द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया, और टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलेटिक नीरज चोपड़ा के सम्मान में देश में पहली बार जेवलिन डे मनाया गया। दोस्तों 7 अगस्त का दिन हमने इसलिए चुना है क्योंकि पिछले साल यानी 2021 में 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये टोक्यो में किया गया था। कब किया गया था, 2021 में किया गया था। टोक्यो कहां पर है दोस्तों, तो जापान में है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिलों में PPP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों, तो ये 5, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है दोस्तों, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 5 जिलों में PPP मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। और दोस्तों वो 5 जिले कौन कौन से हैं, तो एक तो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, बालाघाट है, कटनी है। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की भावना डहरिया यूरोप की सबसे ऊंची शिखर माउंट एल्बूस रूस पर तिरंगा कब फहराएगी दोस्तों, तो ये 15 अगस्त को फहराएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, 15 अगस्त क्रम यहाँ पर भावना डहरिया की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की दूसरी बेटी कौन सी है, तो भावना डहरिया है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी कौन सी दोस्तों जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, तो वो मेघा परमार है। मेघा परमार का संबंध दोस्तों सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है, और मेघा परमार दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर भी है। बात करें हम यहाँ पर माउंट एल्ब्रूस की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, ये रशिया में है। ठीक है, रूस में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 5642 मीटर है। ठीक है, मीटर में भी याद रखिएगा, एल्ब्रूस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 5642 मीटर है, और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों। ठीक है, किस देश में है, रशिया में है। SGSITS, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। शोध कार्यों में अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए किस संस्थान के साथ एक MOU साइन करेगी दोस्तों, तो ये RRCAT इंदौर और IIT इंदौर दोनों के साथ, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ए और बी दोनों। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर SGSITS की बात करें, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1952 में की गई थी। ठीक है, और यहाँ के अभी प्रोफेसर कौन है दोस्तों, यानी डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर राकेश सक्सेना है दोस्तों। हम यहाँ पर IIT इंदौर की, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर। IIT इंदौर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, ये 2009 में की गई थी। ठीक है, IIT इंदौर की स्थापना 2009 में की गई थी, और अभी इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, दीपक बी पाठक है। डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर सुहास एस जोशी है। ठीक है, बात करें दोस्तों हम यहाँ पर RRCAT इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये इंदौर में स्थित है। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, ये 1984 में की गई थी दोस्तों। एशिया के प्रथम लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है, तो वो भी इंदौर RRCAT में की गई है। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में पूजा ओझा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो इनके द्वारा जीता गया है रजत पदक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, रजत पदक, और दोस्तों ये है पूजा ओझा। ठीक है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट से है, याद रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में अभी रजत पदक जीता है, और ये वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कनाडा में किया गया था। तो वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली देश की पहली बेटी कौन सी बन गई है, तो वो भी पूजा ओझा बन गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की पहली बेटी बन गई दोस्तों पूजा ओझा, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में ये मेडल जीता है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पैरा कैनो के बारे में, जो प्राची यादव है उनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। प्राची यादव भी दोस्तों एक पैरा कैनो प्लेयर है और इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है, प्राची यादव का संबंध। और इनको अभी 2020 का दोस्तों विक्रम पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, देवास डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ कहाँ पर? एक तो भोपाल में है और एक इंदौर में है। तो देखिए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवास में नेमावर के पास बनाया जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए तकनीकी स्वीकृति दे दी है और एयरपोर्ट निर्माण के लिए जल्द ही 6000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के दो प्रमुख शहरों इंदौर और भोपाल के बीच होने, जमीन उपलब्ध होने और मौसम की अनुकूलता के कारण इस स्थान का चुनाव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को इसी रैंकिंग में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश का कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश का बड़वानी डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्थान पर है और हमारे मध्य प्रदेश का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का कडप्पा जिला है और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट चौथे स्थान पर है और त्रिपुरा का थलाई पांचवें स्थान पर है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में किया गया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अरविंद पनगड़िया से, ठीक है। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधुश्री खुल्लर थे। और नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है दोस्तों? परमेश्वरम अय्यर है। और नीति आयोग के भी उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर सुमन बैरी है, ठीक है। तो नीति आयोग के सीईओ का नाम याद रखिएगा, परमेश्वरम अय्यर है। इनके पहले कौन थे दोस्तों? तो अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर सुमन बैरी है। इनके पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। योजना आयोग का नया नाम ही दोस्तों नीति आयोग है। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, साची दूध ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया है मेघा परमार को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मेघा परमार। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मेघा परमार की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी कौन सी है दोस्तों? मेघा परमार है। इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट कब फतह किया गया था? तो ये 2019 में किया गया था, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो ये मेघा परमार है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर दुर्गाबाई व्याम की, तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, उनमें एक दुर्गाबाई व्याम भी है, ठीक है। ये एक कलाकार है दोस्तों, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये किस जनजाति की कलाकार है दोस्तों? गोंड जनजाति की कलाकार है, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम चिंकी यादव की, तो चिंकी यादव दोस्तों शूटिंग प्लेयर है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम भूरी बाई की, तो भूरी बाई दोस्तों एक चित्रकार है। और ये किस जनजाति से आती है? तो भील जनजाति से आती है। और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, साची दूध ने हाल ही में अपने 3 नए प्रोडक्ट जिनमें साची पेड़ा, साची बेसन के लड्डू और साची घी की लॉन्चिंग की है। और इसके साथ ही सहकारी साची दूध ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर की भी घोषणा की है। सहकारी साची दूध संघ ने मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर और एवरेस्ट फतह करने वाली सीहोर जिले की बेटी मेघा परमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया?
तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया दोस्तों, तो ये 2 दिवसीय आयोजन था और इसका आयोजन 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक किया गया। तो देखिए दोस्तों, इंदौर में 5 व 6 अगस्त को राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन आयोजित हुआ। देश में दोस्तों ये पहला मौका है जब अर्बन बायोडायवर्सिटी पर कोई सेमिनार किया गया है। इसमें देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए। 2 दिन के इस सम्मेलन में इंदौर घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंदौर घोषणा पत्र कब जारी किया गया, ये राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन में 5 व 6 अगस्त को। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया था, उसके बाद केंद्र ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया, साथ ही हर राज्य ने अपने अपने बोर्ड्स का गठन किया। और दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस जिले के गुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट का है दोस्तों, गुद्रुम बाजा नृत्य अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप बस इतना याद रखिएगा, गुरुद्रम बाजा नृत्य का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है। दोस्तों अनूपपुर जिले के गुरुद्रम बाजा नृत्य को विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और विशाखापट्टनम में 10 से 22 जून 2022 तक जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ट्राइबल कल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग मिशन के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में देश के 14 राज्यों के जनजातीय नृत्य दलों ने प्रतिभागिता में भाग लिया है। और देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 13 मई 2022 को इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किसने किया है, न्यू स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा या अमित शाह जी के द्वारा, तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा दोस्तों। नई स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ कब किया गया, तो 13 मई 2022 को किया गया है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो ये इंदौर में किया गया है। तो आपको बताना है कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी दोस्तों इस पर मिल जाएगा आपको, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।